हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंस्पायर इंडिया क्लब में। दिस इज सुप्रिया विद माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन के चार ट्रिक्स को बताऊंगी, जिसके थ्रू आप हाइब्रिडाइजेशन के सारे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको ट्रिक्स बताती हूँ। लेकिन ट्रिक्स बताने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर भी करें एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो टू गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ माई वीडियोज। फ्रेंड्स, चलिए अब मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। सबसे पहले ट्रिक वन में फ्रेंड्स आपको सबसे पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल लिखना है। फ्रेंड्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो यहाँ फॉर्मूला आपको लिखना है वो ग्रुप नंबर प्लस वैलेंसी अपॉन टू। फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि आपको ग्रुप नंबर वैलेंसी किसका कंसीडर करना है। फ्रेंड्स, अब जिस भी कंपाउंड का आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है उसमें आपको सबसे पहले एक सेंट्रल एटम कंसीडर करना होगा, और मैक्सिमम केसेस में फ्रेंड्स सेंट्रल एटम वही होता है जो लीस्ट नंबर में प्रेजेंट होता है। तो आपको यहाँ पे जो ग्रुप नंबर लिखना है वो सेंट्रल एटम का लिखना है, और यहाँ पे जो वैलेंसी लिखना है वो बेसिकली आपको सराउंडिंग एटम कहने का मतलब है आपने जिसको सेंट्रल एटम कंसीडर कर रखा है उसके चारों तरफ जितने भी एटम्स हैं उसको हम सराउंडिंग एटम्स बोलते हैं। तो वो जितने भी नंबर में होंगे बस आपको यहाँ पे उसका नंबर लिखना है और उसको 2 से डिवाइड करना है। फ्रेंड्स, तो आपको जो मिलेगा वो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगा, और जब आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल जाता है तो आप उसके थ्रू हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही आसानी से लिख पाते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम दिखाते हैं, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको एग्जाम्पल अगर हम ले NH3 का। फ्रेंड्स, NH3 में अगर आप हाइब्रिड ऑर्बिटल देखेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन आपका लीस्ट नंबर में प्रेजेंट है। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैक्सिमम केसेस में सेंट्रल एटम वही होता है जो लीस्ट नंबर में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का संख्या 1 है और हाइड्रोजन 3 है, तो यहाँ पे आपका ये सेंट्रल एटम होगा और इसका ग्रुप नंबर जो होता है वो 5 होता है। फ्रेंड्स, आपको इसके लिए ग्रुप नंबर याद करना होगा, तो आपका यहाँ पे ग्रुप नंबर इसका 5 हुआ, और प्लस यहाँ पे सराउंडिंग एटम 3 है क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन को सराउंड किए हुए हैं, और बाय 2 करना है आपको, मीन्स 8/2 ये 4। तो अगर आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 है तो यहाँ से आप हाइब्रिडाइजेशन इसका लिख सकते हैं sp3। फ्रेंड्स, अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल देखें H2O, अगर आप इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल लिखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑक्सीजन लीस्ट नंबर में है तो ये आपका सेंट्रल एटम होगा और इसका ग्रुप नंबर होगा 6। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो सराउंडिंग एटम आपका 2/2, अगेन इट इज 8/2 4, एंड अगेन इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। फ्रेंड्स, चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे HCF4। यहाँ पे फ्रेंड्स लीस्ट नंबर में जिनॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ अगर आप इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल लिखेंगे तो जिनॉन का ग्रुप नंबर होता है 8, प्लस यहाँ पे 4 फ्लोरीन ने उसे सराउंड कर रखा है, तो यहाँ पे 4/2 मतलब 12/2 दैट इज 6। तो अगर 6 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। फ्रेंड्स, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन लिखने में प्रॉब्लम है तो मैंने एक वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया है, आप उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर फॉर एग्जाम्पल हम देखें, लेट इट बी pcl3। अगर आप इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल लिखेंगे तो यहाँ पे फॉस्फोरस लीस्ट नंबर में है तो इसका ग्रुप नंबर जो होगा वो होगा 5, प्लस 3 क्लोरीन ने सराउंड किया है तो इसलिए 3/2 8/2 दैट इज 4 sp3। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि आप इस ट्रिक के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर रहे हैं, और अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप इसको विदाउट पेन एंड पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम ट्रिक 2 की तरफ मूव कर तो फ्रेंड्स चलिए ट्रिक 2 को देखते हैं। ट्रिक 2 में फ्रेंड्स आपको ये ट्रिक तब अप्लाई करना है जब ऑक्सीजन आपके सेंट्रल में नहीं होगा, मीन्स यहाँ पे मैंने लिखा है इफ ऑक्सीजन इज नॉट इन सेंट्रल देन काउंट इट्स वैलेंसी एज 0। मीन्स जब ऑक्सीजन आपको किसी भी कंपाउंड में अगर सराउंडिंग एटम के रूप में दिखता है तो वहां पे आपको उसका वैलेंसी 0 लेना है, और अगर वो सेंट्रल में है तब तो आपको ट्रिक 1 अप्लाई करना है। चलिए फ्रेंड्स, इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं जिससे आपको समझ में आए। फ्रेंड्स, अगर हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं CO2 का, फ्रेंड्स CO2 में आप देख रहे हैं कि कार्बन यहाँ पे लीस्ट नंबर में है और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 एटम है। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे आप कार्बन लीस्ट नंबर में, तो ये आपका सेंट्रल एटम हुआ और ये आपका सराउंडिंग एटम हुआ। तो अगर ऐसा केस आपको कहीं पे भी दिखेगा तो आपको इसका वैलेंसी 0 लेना है। तो अगर इस केस में अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर आप लिखते हैं तो कार्बन आपको 4 ग्रुप का है और प्लस यहाँ पे इसका वैलेंसी आपको 0 कंसिडर करना है /2, मीन्स यहाँ पे सिंपली आपका 4/2 ये 2 हो जाता है, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आपका जो मिलेगा वो sp मिलेगा। सेकेंड एग्जाम्पल फ्रेंड्स देखें SO2।
फ्रेंड्स याद रखें, ये ट्रिक आपको H2O के लिए अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि H2O में जो होता है ये यहाँ पे सेंट्रल एटम होता है, सराउंडिंग एटम नहीं होता है। तो इसमें आपको ट्रिक 1 अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको आंसर सही मिलेगा। फ्रेंड्स SO2 में देखें, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है जो कि ऑब्वियसली सराउंडिंग एटम है। यहाँ पे सल्फर आपका सेंट्रल एटम है जिसका ग्रुप नंबर 6 होता है। यहाँ पे आपको इसका 0 काउंट करना है बाई 2, ये 3 हो गया, मीन्स sp2। फ्रेंड्स अगर आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, XeOF4, यहाँ जो आप हाइब्रिड ऑर्बिटल लिखेंगे फ्रेंड्स, तो वो जेनॉन यहाँ पे आपका सेंट्रल एटम है जिसका वैलेंसी होता है 8, सॉरी ग्रुप नंबर होता है 8। ऑक्सीजन यहाँ पे आपको 0 काउंट करना है, प्लस फ्लोरीन यहाँ पे 4 है बाई 2, मीन्स 12/2 दैट इज 6, sp3d2। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि आप किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। फ्रेंड्स अलग अलग ट्रिक्स जो है वो अलग अलग क्वेश्चन पे अप्लाई होंगे, इसलिए ये चारों ट्रिक्स को आपको ध्यान में रखने होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए अब ट्रिक 3 की तरफ मूव। तो फ्रेंड्स ये है हमारा ट्रिक 3। ट्रिक 3 में फ्रेंड्स आपको ये ट्रिक 4 स्पीसीज के लिए अप्लाई करना है, और इस केस में जो आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा वो ग्रुप नंबर प्लस वैलेंसी प्लस माइनस चार्ज अपॉन 2। फ्रेंड्स ये सिमिलर है ट्रिक 1 की तरह, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा एक प्लस माइनस चार्ज इंक्लूड हो गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे ग्रुप नंबर जो होगा वो सेंट्रल एटम का होगा, वैलेंसी मीन सराउंडिंग एटम है, और प्लस माइनस चार्ज जो है वो जो भी आपका चार्ज स्पीसीज है उसके ऊपर जितने भी चार्ज अपियर हुए हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आपका माइनस 2 चार्ज है तो यहाँ पे आपको प्लस 2 चार्ज कंसिडर करना है, और अगर माइनस प्लस 2 चार्ज है तो यहाँ पे माइनस 2 चार्ज कंसिडर करना है। फ्रेंड्स मतलब मैंने यहाँ पे बताया है कि प्लस को आपको माइनस साइन कंसिडर करना है और माइनस को आपको प्लस साइन कंसिडर करना है। फ्रेंड्स चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं SO4-2 का, फ्रेंड्स यहाँ पे सल्फर जो है वो सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन जो है वो सराउंडिंग एटम है। तो जब आप हाइब्रिड ऑर्बिटल लिखेंगे इसके लिए तो ग्रुप नंबर सल्फर का होता है 6। ट्रिक 2 में मैंने फ्रेंड्स बताया था कि अगर ऑक्सीजन सराउंडिंग एटम में है तो इसका वैलेंसी आपको 0 काउंट करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका वैलेंसी हो गया 0, और यहाँ पे माइनस 2 चार्ज है तो आपको प्लस 2 चार्ज कंसिडर करना है बाई 2, मीन्स इट इज 8/2, 4। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा वो sp3 आएगा। फ्रेंड्स अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, pcl4+, अगर आप यहाँ पे फॉस्फोरस जो है आपका सेंट्रल एटम है, तो जब आप हाइब्रिड और बाइटल लिखेंगे तो फॉस्फोरस का जो ग्रुप नंबर होगा वो होगा 5, प्लस क्लोरीन जो है वो 4 है, तो सराउंडिंग एटम आपका 4 है, और यहाँ पे प्लस 1 चार्ज है, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर रखा है। तो यहाँ पे आपको माइनस 1 चार्ज कंसिडर करना है बाई 2, 8/2, 4, एंड अगेन इट इज sp3। फिर अगर हम थर्ड एग्जाम्पल देखें, I3 माइनस को फ्रेंड्स इसमें आपको सेंट्रल एटम अगर नहीं दिख रहा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं II2-। फ्रेंड्स यहाँ पे आयोडीन जो है एक सेंट्रल एटम है और 2 आयोडीन ही जो है उसको सराउंड करके रखा हुआ है। तो हाइब्रिड और बाइटल अगर आप लिखेंगे तो आयोडीन का जो ग्रुप नंबर होगा वो होगा 7, प्लस 2 सराउंडिंग एटम, और यहाँ पे प्लस 1 चार्ज बाई 2, ये आएगा आपका 10/2, मतलब कि 5, दैट इज इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp3d होगा। फ्रेंड्स ये हमारे जेई मेंस में इस साल का क्वेश्चन है। फ्रेंड्स फोर्थ एग्जांपल अगर आप देखें, CH3-, तो फ्रेंड्स इसमें जब हाइब्रिड ऑर्बिटल लिखने जाएंगे तो यहाँ पे कार्बन जो है वो आपका सेंट्रल एटम है, तो कार्बन सेंट्रल एटम है, उसका ग्रुप नंबर होता है 4, प्लस 3 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे माइनस 1 चार्ज मतलब प्लस 1 आपको कंसिडर करना है बाई 2, मीन्स ये हो गया आपका 8/2, मतलब 4, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। फिर देख रहे हैं किस तरीके से इतने इजी आप चार्ज स्पीसीज के हाइब्रिडाइजेशन को निकाल पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, आई होप कि आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। चलिए फ्रेंड्स अब ट्रिक 4 की तरफ मूव करें। तो फ्रेंड्स ये है हमारा ट्रिक 4। ट्रिक 4 में फ्रेंड्स आपको जो हाइब्रिड ऑर्बिटल लिखना है वो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। फ्रेंड्स ये ट्रिक अप्लाई करने के लिए फ्रेंड्स आपको थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर का ध्यान होना चाहिए, तभी आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड फ्रेंड्स जब तक आप स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने लोन पेयर है। तो फ्रेंड्स आपको थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर ध्यान में होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर आप इसको एग्जाम्पल से देखें, तो सबसे पहले अगर एग्जाम्पल हम NH3 का ही लेते हैं, अगर आप NH3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे फ्रेंड्स तो देखेंगे कि नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से ऐसे सराउंडेड है और यहाँ पे उसका एक लोन पेयर है।
फ्रेंड्स यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 1 है और सिग्मा बॉन्ड 3 है, तो जब आप हाइब्रिड ऑर्बिटल लिखेंगे इसका, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड मीन्स इट इज 3 और प्लस लोन पेयर 1, तो ये आ गया आपका 4, तो यहाँ से आप हाइब्रिडाइजेशन लिख सकते हैं sp3। फ्रेंड्स इसको आप ट्रिक 1 से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर ट्रिक 1 अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं bf3 का, फ्रेंड्स bf3 का अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, ये 3 फ्लोरीन ऐसे अटैच रहता है, bf3 जो है वो बोरोन जो है वो थर्ड ग्रुप का मेंबर है, तो ये जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज होता है। तो यहाँ अगर आप हाइब्रिड ऑर्बिटल लिखेंगे तो 3 सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर इसके पास 0 है, तो ये आ गया आपका 3, तो हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp2। फ्रेंड्स अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन और शेप निकालने में दिक्कत हो रही है तो मेरा जो वीडियो है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन और शेप बहुत अच्छे तरीके से बताया आप उसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स अगर आप एक और एग्जांपल लें NH3 BF3, फ्रेंड्स अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आपका कुछ इस टाइप का आएगा। नाइट्रोजन के पास फ्रेंड्स एक यहाँ पे लोन पेयर है जिसने कोऑर्डिनेट किया है बोरोन को, क्योंकि बोरोन मैंने पहले भी बताया कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज है, तो फ्रेंड्स इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। फ्रेंड्स तो अगर आप इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो आपका आएगा वो 3 और प्लस 1 सिग्मा मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड है, प्लस लोन पेयर चूंकि इसने डोनेट कर दिया है तो इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है, तो ये आपका 4 आ गया, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3। अगर आप इसके लिए फ्रेंड्स हाइब्रिड ऑर्बिटल लिखेंगे तो इसने भी 4 सिग्मा बॉन्ड बना लिया है, तो 4 और लोन पेयर तो इसके पास 0 है, तो 4, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे कि bf3 यहाँ है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, लेकिन अगर यहाँ पे इसने कोऑर्डिनेट किया हुआ है नाइट्रोजन के साथ तो यहाँ sp3 आ रहा है। फ्रेंड्स तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप स्ट्रक्चर के थ्रू भी आप देख करके हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाल के हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। फ्रेंड्स तो ये चारों ट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, अब इस टाइप से आप सारे हाइब्रिडाइजेशन के सारे क्वेश्चन आई थिंक कर सकते हैं। एक केस फ्रेंड्स बचता है ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन वाला केस, फ्री रेडिकल वाला केस, तो उस केस को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी फ्रेंड्स, तो उस वीडियो को भी जरूर देखें और हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।